हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इनफैक्ट मुझे आपसे पूछना चाहिए कि होप यू ऑल आर स्लीपिंग वेल, बिकॉज स्लीप एक ऐसी चीज है जो मैं अपनी लाइफ में इस पॉइंट पे बहुत मिस करती हूँ। मेरी एक 18 महीने की बेटी है जो अभी भी रात को फीड के लिए उठती है, सो इट्स ऑलमोस्ट बीन 18 मंथ्स जहां मैं एक रात भी प्रॉपरली नहीं सोई हूँ। और उसका रिजल्ट होता है कि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, मैं बहुत ही टायर्ड होती हूँ। ये टायर्डनेस सबसे पहले दिखती है मेरी आंखों पे, क्योंकि मेरी आंखें ड्राई, डल, पफी और काफी टायर्ड लगती हैं। कोई भी देख के बता सकता है दैट मानसी इज एक्सट्रीमली स्लीपी एंड एक्सट्रीमली टायर्ड। आपको पता है फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग भी हमारी आंखों पे सबसे पहले दिखते हैं, बिकॉज हमारी आंखों की जो स्किन है ये बहुत थिन और बहुत सेंसिटिव होती है, तो फाइन लाइंस और रिंकल्स सबसे पहले यहाँ शो अप करती हैं और आपको अलर्ट करती हैं कि यू शुड स्टार्ट केयरिंग फॉर देम नाउ। नाउ वाइल प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, बट मेरा सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। मॉर्निंग में जब मैं अपना स्किन केयर करती हूँ तो एक स्टेप जरूर ऐड करती हूँ, एंड दैट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस ब्यूटिफुल आई सीरम जो मेरी आंखों को इंस्टेंटली हाइड्रेट करता है। गाइज, दिस इज द लॉरियल पेरिस हाइलुरोनिक एसिड आई सीरम जो बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द फर्स्ट हाइलुरोनिक एसिड आई सीरम्स है इन इंडिया। तो मेरा मॉर्निंग स्किन केयर बहुत ही सिंपल होता है। मैं सबसे पहले अपने फेस को क्लेंस करती हूँ, उसके बाद मैं लगाती हूँ लॉरियल पेरिस हाइलुरोनिक एसिड सीरम। ये सीरम मैं सिर्फ अपने फेस और नेक पे लगाती हूँ। बहुत लंबे टाइम से मैं इसको यूज करती आ रही हूँ। मैंने अपने काफी वीडियोस में भी इसको दिखाया है, इसके बारे में बात करी है। दिस इज वेरी वेरी गुड। और ये सीरम लगाने के बाद मैं लगाती हूँ लॉरियल पेरिस हाइलुरोनिक एसिड आई सीरम। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी मैं अपने आईज के आसपास लगाती हूँ। उसके बाद मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ, एंड आई फील कॉन्फिडेंट कि मेरी स्किन हाइड्रेटेड है, मॉइस्चर प्रॉपरली लॉक्ड है, एंड आई कैन गेट गोइंग फॉर द डे। आई नो बहुत से लोग अपनी आंखों के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं, बट क्या आपके प्रोडक्ट का मेन इंग्रेडिएंट हाइलुरोनिक एसिड है? दैट्स द अवेयरनेस दैट आई वांट टू ड्राइव इन दिस वीडियो। हाइलुरोनिक एसिड नेचुरली हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। जब हम यंग होते हैं तो इसके लेवल्स हमारी स्किन में काफी अच्छे होते हैं, तभी हम बहुत ज्यादा स्किन केयर नहीं भी करते तो भी हमारी स्किन इतनी अच्छी लगती है। बट जैसे जैसे हमारी एज होती है, हाइलुरोनिक एसिड के नेचुरल लेवल्स हमारी स्किन में कम होने लग जाते हैं, और इसीलिए रेकमेंड किया जाता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कीजिए जिसमें हाइलुरोनिक एसिड एज अ की इंग्रेडिएंट हो, ताकि आप हाइलुरोनिक एसिड के लेवल्स को रेप्लेनिश कर सकें। अगर हाइलुरोनिक एसिड के लेवल्स अप्रोप्रिएटली रेप्लेनिश होंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड लगेगी, फ्रेश लगेगी, यंग लगेगी। हाइलुरोनिक एसिड एक गुड टू यूज नहीं बल्कि मस्ट यूज प्रोडक्ट है एज पर डर्मेटोलॉजिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड आई एम सो ग्लैड दैट लॉरियल पेरिस इज क्रिएटिंग सच प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स एंड इंग्रेडिएंट्स बैक्ड बाय साइंस। जस्ट 2 weeks ऑफ रेगुलरली यूजिंग द लॉरियल पेरिस हाइलुरोनिक एसिड आई सीरम इज क्लिनिकली प्रूवन टू ब्रिंग यंग एंड फ्रेशर लुकिंग आईज। लेट मी शो यू द लॉरियल पेरिस हाइलुरोनिक एसिड आई सीरम नाउ। सो आई एब्सोल्युटली लव द पैकेजिंग। इसका टेक्सचर भी बहुत लाइट वेट है, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। ये एक पेटेंटेड ट्रिपल बीड एप्लीकेटर के साथ आता है जो स्टेनलेस स्टील से बना है टू मैक्सिमाइज रिजल्ट्स। जब आप इस एप्लीकेटर के थ्रू सीरम को अप्लाई करते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आप अपनी आईज को एक अच्छा सा मसाज दे रहे हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में 1.5% हाइलुरोनिक एसिड है एंड 1% कैफीन है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये आपके आईज के एरिया को मॉइस्चराइज करते हैं, हाइड्रेट करते हैं और उन्हें फ्रेश दिखाते हैं, वाइल ऑल्सो वर्किंग ऑन फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। इसमें 4% नियासाइनामाइड भी है जो कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करता है और आईज को ज्यादा यंग दिखाता है। लॉरियल पेरिस हाइलुरोनिक एसिड आई सीरम का फॉर्मूला डर्मेटोलॉजिकल एंड ऑप्थोमोलॉजिकल वैलिडेटेड है फॉर एप्लीकेशन ऑन सेंसिटिव एरियाज अराउंड द आईज, एंड गेस व्हाट, contact lens wearers can use it too. I absolutely love how easy it is to apply it, how quickly I can apply it, and how instantly my eyes look hydrated, fresh and depuffed. ये एक 20 ml की बॉटल है जिसका MRP है ₹899। मैं इसको लिंक कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गाइज, मैं बोलूंगी कि ये आपके स्किन केयर में जरूर होना चाहिए, बिकॉज आपका फेस अच्छा लग रहा है, आपकी नेक अच्छी लग रही है, आपके हेयर अच्छे लग रहे हैं, और आपकी आईज टायर्ड लग रही हैं, सो दैट डज नॉट डू जस्टिस टू प्रॉपर स्किन केयर और हाउ योर स्किन कैन लुक लाइक।
थोड़ी सी क्वांटिटी लगेगी बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं. दैट्स एटलीस्ट व्हाट आई सॉ ऑन माई स्किन. सो ऑल द बेस्ट, विश यू फ्रेश एंड यंगर लुकिंग आईज. थैंक यू सो मच. बाय बाय.